सहारनपुर में पूर्व एमएलसी व खनन कारोबारी हाजी इकबाल सहित 11 लोगों पर दर्ज मुकदमे में पुलिस ने ग्लोकल यूनिवर्सिटी से करोड़ों रुपए के सामान की रिकवरी की। हरियाणा निवासी द्वारा मुकदमा दर्ज कराने पर बड़ी हुई कार्रवाई। मिर्जापुर पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी। मिर्जापुर थाना प्रभारी हृदय नारायण सिंह व अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक के सिंह व बादशाही बाग चौकी इंचार्ज असगर अली ने पुलिस फोर्स के साथ ग्लोबल यूनिवर्सिटी पर छापा मारा। पुलिस ने खनन कारोबारी एवं पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल सहित 11 लोगों पर दर्ज मुकदमे में करोड़ों रुपए के सामान की ग्लोबल यूनिवर्सिटी से रिकवरी की है। जी, इसमें थाना मिर्ज़ापुर में एक व्यक्ति ने आकर मुकदमा दर्ज करवाया था इकबाल और उनके साथियों के खिलाफ, जिसमें कि आरोप थे कि यूनिवर्सिटी के निर्माण के दौरान जो उनका सामान था उसका उन्होंने रख लिया, यूनिवर्सिटी में दिया नहीं वापस और कई करोड़ रुपए का गबन किया है उनका। 400 BC और लूट की डकैती की धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिस पर कि पुलिस ने वादी की निशानदेही पर जाकर आज यूनिवर्सिटी से जो इनका सामान था वो बरामद किया है और उसको कब्जे में लेने की कार्यवाही आगे की जा रही है। सर, लगभग कितनी कीमत का ये सामान होगा जो आज रिकवर किया गया है? जी, ये इनके यूनिवर्सिटी के निर्माण के दौरान बहुत बड़े स्तर पर ये कार्य इनके द्वारा करवाया गया था, जिसमें कि पैसों का लेन देन का विवाद इन दोनों पक्षों में है और इनका सामान जो है बताया जा रहा है करोड़ों में है, जिसे कि पुलिस अभी लगातार उसको अपने कब्जे में लेने की कार्यवाही की जा रही है। इसके उपरांत अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी। ठीक है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।